नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि पार्वती ने द्वारपाल के लिए गणेश अपने मैल से गणेश को बनाया था और उनको द्वारपाल नियुक्त किया था। जब वो स्नान करने के लिए गई तो वहाँ पर उन्होंने गणेश को खड़ा किया और उसके बाद में शिवजी आ गए। तब उन्होंने क्या कहा वो मैं बताती हूँ। महेश्वर कहने लगा कि गणो, यह कौन है जो इतना उछल होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृतांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यूँ कहने पर वेगन पुनः लौटा है। तदांतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिव जी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ कि यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। तो कल तक यहाँ तक था। आप लोग जैसे जो नए दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ। तो ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। और अपने परिवार और मित्रगणों से भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो शिव पुराण में आज के पाठ में है देवताओं और ऋषियों का सवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना। उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर शिव जी के आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़ करके और उसको जीवित कर देना। तो आज तक आज पाठ में आप ये सुनेंगे। वैसे सभी जानते हैं ये तो शिव पुराण में ये सब है। तो आज आप जानेंगे कि जब गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया था शिव जी ने, उसके बाद में पार्वती जी कुपित हो गई थी और फिर ऋषियों और देवताओं द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात उन्होंने कही थी शिव जी से, और शिव जी ने फिर हाथी का सिर मंगवाया था और उस पर फिर उनको उनके धड़ से जोड़ करके उनको जीवित किया था। तो महेश्वर जी कहते हैं कि गणों ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाही तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा, इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश को पराजित ना कर सके। तब स्वयं शूलपाणि महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। यहाँ पे उनके लड़ाई की युद्ध की एक फोटो दी हुई है जो मैं डालती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया, सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए और युद्ध हुआ। अंतोगतवा स्वयं शूलपाणि महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। तब जब ये समाचार पार्वती जी को मिला तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्हें बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाए जाने लगी। उन शक्तियों का यह जाज्वलयमान देख सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। मुने, इस समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहाँ आ पहुँचे। तुम्हारा वहाँ आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुँचाना था।
तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलाकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता मुझ तुझ महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक ग्रजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब इस विषय में विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट आए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया और देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले देव ऋषियों ने कहा, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है, शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है, चंडिके तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो, कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है, अम्बे तुम्हें आदिशक्ति हो, तुम्हें सदा सारी सृष्टि की निर्माण कर्त्री पालिका शक्ति और श्रृंगार करने वाली हो, देवशी तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद यों तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर परादेवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया। तो ऋषियों ने कहा कि देवी अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो, क्षमा करो अंबिके, तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी इन सबका अपराध क्षमा करो, शिवे अब इन्हें शांति प्रदान करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने सभी देवऋषि ऐसा कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई, उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया। तब वे ऋषियों से बोली कि देवी ने कहा, ऋषियों यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने पार्वती के यूं कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए, अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने तदनंतर शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को भी धो पोंछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए जहां उन्हें पहल एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिवादि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया, अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तब शिवाज्ञा का पालन संबंधिनी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले कि स्वामी आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी
उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक स्वेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी, उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर, पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आनंद मगन हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। यहाँ भी एक चित्र है, मैं वो डालती हूँ। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती को दिखाया। उस पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हो गईं। तो आज का पाठ यहीं पर पूर्ण करते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ सुनकर आनंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता की।